ये दो-दो जॉम्बी आई हुई हैं और ये जॉम्बी देखने में तो कितनी खतरनाक लग रही हैं ये दोनों किसके ऊपर बैठकर आई हुई हैं अरे ये क्या जंगल के राजा शेर और ये क्या बाघ के ऊपर बैठ कर आई हुई हैं ये दोनों और ये दोनों किसके घर पर आई हुई हैं अरे ये क्या चिंटू बेटा और यहाँ चिंकी के घर के अंदर आई हुई हैं इन दोनों को यहाँ से भगाना पड़ेगा अरे ये क्या चिंटू बेटा के सामने ये क्या अरे यहाँ तो नमकीन रखी हुई है चबाने वाली लेकिन इसको कोई छोटा सा जानवर चबा ले रहा है अब तुम बेटा क्या चबाओगे और यहाँ चिंकी बिटिया के सामने क्या रखा हुआ है अरे ये क्या एक दूसरी प्लेट में नमकीन आई हुई है लेकिन इसको भी जंगली जानवर चबा ले रहे हैं चलो यहाँ से सबसे पहले इन दोनों जोम्बी को भगाएंगे उसके बाद ये देखो नमकीन को चबा ले रहे हैं ये छोटे छोटे जानवर इनको भी यहाँ से भगाएंगे और ये क्या अरे मदद करने के लिए बड़ी सी हाथी आई हुई थी एलिफेंट इसको भी जंगली जानवर ये देखो छिपकली छिपकली ने हाथी के सोड़ को पकड़ के रखा हुआ है चलो हाथी की मदद करते हैं और इस छिपकली को यहाँ से भगाएंगे सबसे पहले चलो यहाँ से इस वाले बच्चे के घर के अंदर से जोम्बी को भगाते हैं इन दोनों जोम्बी को चलो जाओ जंगल के राजा शेर तुम अपने ऊपर से इनको लेकर जाओ इस वाले जोम्बी को लेकर चले जाओ अरे बहुत बढ़िया एक जॉम्बी तो चली गई चलो इस दूसरी वाली जॉम्बी को भगाएंगे नहीं तो ये जॉम्बी इन दोनों बच्चों को बहुत परेशान करेगी चलो जाओ तुम भी जाओ अरे जाओ टाइगर के ऊपर बैठ कर आई हुई थी ये तो जाते रहो जाते रहो बहुत अच्छा अब इन दोनों बच्चों के घर से जॉम्बी तो चली गई अरे ये क्या घर के अंदर तो सुंदर सा तोता पैरट आया हुआ है जो देखने में बहुत क्यूट लग रहा है चलो बिस वाले बच्चे के सामने से ये देखो छोटे छोटे जानवर इसको भी भगाना पड़ेगा नहीं तो ये सारा नमकीन चबा के खत्म कर देगा और यहाँ पर अरे एक और जानवर चलो इन दोनों को एक साथ भगाते हैं इन दोनों के पूंछ को पकड़कर कर यहाँ से भगा देंगे जाओ तुम दोनों भागते हुए चले जाओ अब तुम बच्चा आराम से नमकीन को चबा सकते हो ये छोटा बच्चा आज तो कोई कपड़े नहीं पहने हुए है तुम कपड़े पहन लेना और नमकीन चबा कर अरे हुआ एक बाल्टी पानी आई हुई है तुम्हारे लिए तुम पानी पी लेना अरे ये कौन आया हुआ है ये तो चिम्मच आया हुआ है अरे बहुत बढ़िया और दूसरे वाले बच्चे के पास में भी एक चिमच आया हुआ है अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है और तुम्हारे पास भी एक बाल्टी पानी आई हुई है तुम भी पानी पी लेना चलो अब हाथी की मदद करते हैं ये देखो हाथी को छिपकली ने पकड़ के रखा हुआ है चलो अरे अरे हरे अरे, अरे अरे ये क्या छिपकली तो हाथी को छोड़ नहीं रही है चलो हाथी की मदद करते हैं अरे वाह मोटे वाले हल्के जी आई हुई है चलो इनको बुला के लेकर आते हैं और इस वाले छिपकली को नीचे गिराएंगे अरे छिपकली तुम नीचे गिरो, नीचे गिरो नीचे गिरो बहुत बढ़िया ये देखो छिपकली तो नीचे गिर गई चलो मोटे वाले हल्के जी तुम इस छिपकली को यहाँ से कहीं दूर लेकर चले जाओ लेकर जाते रहो इसके ऊपर बैठ कर चले जाओ बहुत बढ़िया इस वाले हाथी की मदद हो गई अब तुम ठीक हो गए हो इस वाले हाथी के पीछे एक और एलिफेंट आई हुई है लेकिन ये तो डर की मारे पहले से नीचे गिर गई है चलो इसको भी सीधा कर देंगे अरे वाह एक एक दो दो हाथिया ये दोनों हाथिया बहुत अच्छी हैं और इस वाले बच्चे के घर के ऊपर कौन आया हुआ है चलो इसका पता लगाते हैं अरे वाह ढोलक बजाने वाले दो दो लोग एक ढोलक बजाने वाले गणेश जी और दूसरे ढोलक बजाने वाली बिल्ली चलो इन दोनों को सीधा कर देते हैं अरे वाह चलो दूसरे वाली बिल्ली को भी सीधा कर देते हैं ढोलक बजाने वाली बिल्ली अरे वाह तुम दोनों लोग बहुत अच्छा तबला बजा लेते हो बजाते रहो बजाते रहो और तुम लोग भी बजाते रहो आज इस चिंटू बेटा और इस चिंकी बिटिया के पास में इन दोनों को सवारी करवाने के लिए कौन आया हुआ है चलो इस वाले हाथी को बुला के लेकर आते हैं एक हाथी चिंटू बेटा को अपने ऊपर बिठाएगी और इनको अपने नानी के घर घूमने के लिए लेकर जाएगी और यहाँ एक हाथी और आई हुई है चलो इसको चिंकी बिटिया के पास में रखेंगे एक बच्चे के पास में एक हाथी और दूसरे बच्चे के पास में दूसरी हाथी ये आज की कहानी देखने में तो बहुत मजा आ रहा है और ये दोनों तो कितने आराम से खड़े हुए हैं ये दोनों तो देखने में बहुत सुंदर बहुत क्यूट लगते हैं और इन दोनों के घर के पीछे किसका घर बना हुआ है अरे वाह ये तो डॉक्टर जी के बच्चे हैं एक दो तीन तीन बच्चे और प्यारे से डॉक्टर जी यहाँ रुके हुए हैं और इनकी सुंदर से बीबी पत्नी यहाँ आई हुई है चलो सबसे पहले देखते हैं इन तीनों बच्चों के सामने क्या हो रहा है अरे ये क्या छोटी वाली गैया छोटी वाली गैया को ये देखो किसी जानवर ने पकड़े हुए है चलो इस छोटी गाय की मदद करते हैं नहीं तो ये छोटा बच्चा क्या पिएगा इसको तो अभी दूध पीना है चलो सबसे पहले यहाँ से छोटी गाय की मदद करते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया छोटी गाय आई हुई है इस छोटे बच्चे को दूध देने के लिए चलो इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा इसको चलो सबसे पहले घर के नीचे गिरा देते हैं अरे बहुत बढ़िया तुम घर के नीचे रुके रहो अभी तुमको यहाँ से भगाते हैं अरे वाह एक गैंडा आया हुआ है चलो इस गैंडे के ऊपर इस वाले जानवर को बिठा देंगे और इसको कहीं दूर लेकर जाएंगे जाते रहो गैंडे भाई लेकर चले जाओ बहुत बढ़िया अब ये छोटी वाली गाय इस छोटे बच्चे को दूध देगी और इस छोटी वाली बेटी के लिए क्या आया हुआ है अरे वाह घर के ऊपर टमाटर और गाजर आया हुआ है चलो गाजर को उतारते हैं और इस छोटी बेटी को खिलाएंगे और टमाटर अरे वाह बड़ी वाली बेटी के लिए तो टमाटर आया हुआ है और ये दूध का डिब्बा दूध का डिब्बा इस छोटे वाले बच्चे के लिए और यहाँ पर अरे वाह घर की रखवाली करने के लिए मोटे वाले सुपरमैन आए हुए हैं इस सुपरमैन के पास की भी फलाया हुआ है और पॉपकॉर्न कौन आया हुआ खाने के लिए अगर तुमको घर के ऊपर जाना होगा तो तुम इसी वाले रास्ते से ऊपर चले जाना आराम से चले जाना प्यारे से डॉक्टर जी और उनकी सुंदर सी बीबी पत्नी आज इन दोनों से दवा करवाने के लिए कौन आया हुआ है चलो इसका पता लगाते हैं अरे ये क्या कोई जानवर आया हुआ है इसकी मुंडी तो पीछे कैसे लगी हुई है इसकी मुंडी तो आगे होनी चाहिए और यहाँ पर कोई खरगोश आया हुआ है अपने ऊपर किसी पंछी को बिठा कर लेकर आया हुआ है चलो सबसे पहले इस वाले पंछी को नीचे उतारेंगे और इसको मोटी वाली सुई लगेगी और यहाँ पर इस वाले जानवर को पतली वाली चलो सबसे पहले इसको सुई लगा देते हैं मोटी वाली अरे वाह मोटी वाली सुई तो यहाँ आई हुई है चलो इसको सुई लगाओ मोटी मोटी सुई लगा दो अरे बहुत बढ़िया इसको तो मोटी वाली सुई लग गई अब इसको चलो पतली वाली सुई लगा देते हैं इसकी पतली वाली सुई यहाँ लग गई अरे वाह बहुत बढ़िया चलो इसकी मुंडी को आगे लगाते हैं और सुई को बाहर निकालेंगे मुंडी तुम बाहर निकलो और अरे वाह ये क्या इसकी मुंडी तो लग गई अब तुम ठीक हो गए हो अब तुम यहाँ से जा सकते हो टिक 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 जा सकते हो और ये दूसरा वाली पंछी अरे तुम भी ठीक हो गए हो जाओ तुम अपने खरगोश के ऊपर बैठो और यहाँ से उड़ के भी जा सकते हो अरे वाह तुम दोनों की सुई दबा हो गई और इन दोनों के बगल में और कौन आया हुआ है अरे ये कौन है बंदर मामा इनके हाथों में दो दो बनाना पहले से था और एक बड़ा सा तरबूज भी आया हुआ है अरे वाह ये क्या ये तो कितने मेहनत करने वाले हैं अपने ऊपर तरबूज को लेकर आए हुए हैं प्यारे से डॉक्टर जी और उनकी पत्नी के लिए चलो इसको नीचे उतार देते हैं अरे इसको तुरंत नीचे उतारो अरे वाह बहुत बढ़िया और तुम दोनों आराम से तरबूज को खा लेना क्योंकि बंदर मामा लेकर आए हैं प्यारे से तरबूज को आओ देखते हैं आगे की कहानी में क्या होने वाला है अरे ये क्या ये तो लाल रंग का गुड्डा है और इस गुड्डे के सामने ये क्या हो रहा है कोई जंगली जानवर आया हुआ है और इसने ये क्या मुर्गे को अपने जबड़े में फंसा के रखा हुआ है चलो इस वाले मुर्गे की मदद करते हैं अरे ये क्या कोई एक और जानवर आया हुआ है और अपने ऊपर मुर्गी को भी बिठा के लेकर जा रहा है चलो मुर्गी के और मुर्गे की मदद करते हैं और सबसे पहले इसको यहाँ से भगाओ अरे मुर्गे को बाहर छोड़ो अरे वाह ये क्या मुर्गा तो ठीक हो गया है लेकिन इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा जाओ तुम यहाँ से चले जाओ तुम सब तो जंगली जानवर हो तुमको सब तो जंगल में रहना चाहिए और इस मुर्गी को भी नीचे करते हैं अरे वह बहुत बढ़िया तुम भी यहाँ से जाओ जल्दी जल्दी यहाँ से जाते रहो अब इन दोनों की मदद हो गई और यहाँ पर प्यारा सा गुड्डा और ये दूसरा वाला गुड्डा इन दोनों गुड्डों के घर के ऊपर कौन आया हुआ है अरे बड़ा सा बनाना केला आया हुआ है चलो इसको नीचे उतारेंगे और इस वाले गुड्डे को खिला देंगे लेकिन ये दूसरा वाला गुड्डा फिर क्या खाएगा अरे वाह कोई खरगोश भी आया हुआ है और अपने ऊपर ये क्या केक को लेकर आया हुआ है चलो केक को दूसरे वाले गुड्डे को खिला देंगे अब तुम दोनों गुड्डे आराम से यहाँ बैठे रहो और तुमको अगर सवारी करना होगा तो खरगोश आया हुआ है इसके ऊपर बैठकर कहीं भी जा सकते हो आज की कहानी देखने में तो बहुत मजा आया और यहाँ पर इस वाले गुड्डे के बगल में प्यारे से बंदर मामा आए हुए हैं और ये बंदर मामा दो दो बनाना को लेकर आए हुए हैं और अपने ऊपर बड़े से तरबूज को लेकर आए हुए थे प्यारे से डॉक्टर जी के लिए और उनकी सुंदर से बीबी पत्नी के लिए ये बंदर मामा तो बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर दवा करवाने के लिए अरे हुआ कोई जानवर आया हुआ था आज इसकी मुंडी यहाँ पीछे लगी हुई थी इसकी मुंडी को आगे लगाया गया और यहाँ सुंदर सा खरगोश अपने ऊपर किसी पंछी को बिठा के लेकर आया हुआ था इन दोनों की दवा हो गई अब तुम दोनों लोग आराम से जा सकते हो जाते रहो जल्दी जल्दी यहाँ से जाते रहो अरे हुआ बहुत बढ़िया और ये सुंदर सा खरगोश तुम भी चले जाओ क्यूँकी तुम्हारी भी दवा हो गयी जो तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है उसकी भी दवा हो गयी अरे वाह बहुत बढ़िया इस प्यारे से डॉक्टर जी के एक दो तीन तीन बच्चे और इन तीनों के लिए एक के लिए टमाटर इस दूसरे छोटे बच्चे के लिए दूध का डिब्बा और तीसरे के लिए गाजर आया हुआ है और घर के नीचे घर की रखवाली करने के लिए मोटे वाले सुपरमैन मोटे वाले सुपरमैन देखने में बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर ये दोनों ये दोनों तो कितने अच्छे से बैठे हुए हैं ये दोनों इस चिंटू बेटा और इनकी बहन चिंकी की प्यारे ऐसी मम्मी जी हैं और उनके पिताजी हैं आज चिंटू बेटा के सामने अरे वह एक प्लेट नमकीन आई हुई थी और यहाँ पीने के लिए एक बाल्टी पानी लेकिन यहाँ पर अरे ये क्या यहाँ पर तो दो दो जॉम्बी आ गई थी एक जंगल के राजा शेर और एक बाघ के ऊपर बैठ कर आई हुई थी उन दोनों को यहाँ से भगाया गया अब इस चिंटू बेटा के पास सवारी करवाने के लिए बड़ी वाली हाथी और चिंकी बिटिया के पास सवारी करवाने के लिए एक दूसरी बड़ी वाली हाथी आई हुई है तुम दोनों हाथियों के ऊपर बैठकर कहीं भी जा सकते हो स्कूल जा सकते हो मामा के घर जा सकते हो कहीं भी जा सकते हो और तुम्हारे घर पर अरे हुआ सुंदर सा तोता भी आया हुआ है और घर के ऊपर कौन आया हुआ है अरे ये क्या ढोलक बजाने वाले दो दो लोग एक ढोलक बजाने वाली बिल्ली और दूसरे गणेश जी आए हुए हैं अगर आज की कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो इस वाले कहानी को लाइक करिएगा मिलते मिल्टेक्स दूसरी अच्छी सी कहानी में बाय